हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है एंड उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बेसिकली एक ट्रैजेक्टरी में निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पाथ ले लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये हमारी पाथ की एक ट्रैजेक्टरी है जहाँ से वो जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर सर्कल बनाते हैं, एक जैसे इस पॉइंट में सर्कल बनाया और हमने एक इस पॉइंट पर सर्कल बनाया, तो इस पॉइंट का सर्कल बना बड़ा बनेगा। ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें छोटा बना दो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन साफ समझिए कि इसका इस ये सर्कल के अंदर ये पीस फिट नहीं बैठ सकता। तो हमें उस तरीके से एक लॉजिकल सर्कल बनाना होगा, ठीक है। और अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत छोटा सर्कल बनेगा क्योंकि ये बेंड ज्यादा है, ठीक है। तो इसी बेंड के इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दो तरीके से आ सकता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहला, जब हमारे पास पार्टिकल की क्या हो, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो, तो आपको वहां पे फ्रेंड सिर्फ एक ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या है वो फॉर्मूला? 1 + dy/dx, ठीक है, का होल स्क्वायर इस पूरे का 3/2 और अपॉन में d2y/dx2। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएट करा, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करा। ये फॉर एग्जांपल जैसे हमें प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन पता होती है x y = x tan θ वाली, ठीक है। आपको x = y² दिया है, ay² दिया है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसे निकाल सकते हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स आपके पास, जब आपको क्या दिया होता है, जब आपको दिया होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें दी होती हैं। और फ्रेंड्स ये IIT के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा रेडियस होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बना लिया, तो यहाँ पे हमने एक वेलोसिटी यू से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, तो उसका ये ट्रैजेक्टरी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जरा हम जूम करते हैं, यहाँ से वो जा रहा है ना, यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसे है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन पे ऐसे लग रही है जी जो लगती है। अब हमें चाहिए फ्रेंड्स नॉर्मल एक्सेलरेशन। कौन सी चाहिए? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर वाली होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी एंगल होगा, ये थीटा मान लिया, तो ये तो जी कॉस थीटा होगा। इसका जो कंपोनेंट लेंगे हम यहाँ पर जी कॉस थीटा, उसको हम लेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे v² / g cos θ लगेगा, ना कि v² / g, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के साथ, एंड ये है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यूजिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब फ्रेंड्स ये था आज के लिए कॉन्सेप्ट छोटा सा, मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वीडियोस लाता रहूंगा। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।